हेलो एवरीवन वेलकम टू डिफेंस प्लेक्सेस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी ठीक है साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरीज़ की हैं इसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की डिस्कवरीज़ ली हैं वैसे तो देखो बहुत सारी डिस्कवरीज़ होती हैं uh, मैंने इसमें टोटल फिफ्टीन डिस्कवरीज़ उठाई हैं तो हम नेक्स्ट uh, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्टीन डिस्कवरी और फिर बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी के डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज़ हैं और हमें सारी नहीं पढ़नी है हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ठीक है यहाँ पे स्क्रीन पे फर्स्ट दिया हुआ है एरोप्लेन यानी और एक तरफ दिया हुआ है नेम ऑफ साइंटिस्ट और एक तर, तरफ दिया हुआ है डिस्कवरीज़ यानी उन्होंने क्या डिस्कवरीज़ की थी तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है एरोप्लेन ठीक है बहुत कॉमन है और जनरली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि एरोप्लेन की डिस्कवरी किसने की थी या फिर एरोप्लेन की खोज किसने की थी किसने की थी राइट ब्रदर्स ने ओके राइट ब्रदर्स ने की थी और कब की थी ये भी आप नोट कर लो डिसम्बर सेवनटीन दिस इज नाइनटीन जीरो थ्री ओके एरोप्लेन की डिस्कवरी राइट ब्रदर्स ने की थी सेवनटीन दिसंबर नाइनटीन जीरो थ्री में की थी ओके okay, नेक्स्ट देखेंगे हम अपना क्या है एटम ठीक है इस आ, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी नील्स बोहर ने की थी ये जानते हैं कि एटम क्या होता है ऑलमोस्ट सभी को पता होगा एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर यानी मैटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम अड़ू कहते हैं हिंदी में या और इंग्लिश में एटम कहते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एटम मिलके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ठीक है और मॉलिक्यूल्स जब आपस में ऐड होते हैं तो फिर क्या बनता है हमारा तब हमारा बनता है पार्टिकल्स ठीक है या फिर मैटर ओके तो हमारे मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एटम और इसकी डिस्कवरी किसने की थी नील्स बोहर ने की थी दैट्स इट नेक्स्ट देखेंगे हम रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले ये जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और प्लस वन थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसकी डिस्कवरी देख लो पहले मैरी क्यूरी ने की थी किसने की थी मैरी क्यूरी में मैरी क्यूरी ने की थी और कब की थी एटीन दो चीज़ें यहाँ पर याद कर लो रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक तो हो गई यहां मैरी क्यूरी और दूसरे हैं आपके ए मैरी क्यूरी और आपके बैक्यूरल दो चीजें समझो यहां पे जो टर्म है ना रेडियो एक्टिविटी का वो दिया था आपके ए एच बैक्यूरल ने ओके ए एच बैक्यूरल ने और सॉरी uh, यहाँ पे मिस्टेक uh, हो गई मेरे से जो रेडियो एक्टिविटी है इसको सबसे पहले ऑब्जर्वड किसने किया था ठीक है ना एटीन सिक्स में ऑब्ज़र्व्ड किसने किया था वो किया था एच बैक्यूरल ने ठीक है और जो टर्म दिया था आपका वो मैरी क्यूरी ने दिया था अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए तो आप दोनों मार्क कर देना और कोई एक दिख जाए या फिर मैरी क्यूरी या फिर ए एज बैकरल, तो उनमें से आप कोई भी मार्क कर देना ठीक है तो वैसे ज़्यादातर मैरी क्यूरी ही पूछा जाता है यहाँ पर अच्छा ये हो गई रेडियो एक्टिविटी अब थोड़ा सा ये जान लो रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है देखो कोई सब्सटेंस है कोई सब्सटेंस है इसका डीके हो रहा है ठीक है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका डीके हो रहा है इसमें क्या होता है स्पॉन्टेनियस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी ठीक है एनर्जी रिलीज होती है कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे आप उसके ऊपर उससे क्या हो रहा है आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है और ये एनर्जी रिलीज होती है आपकी एल्फा बीटा और गामा फॉर्म में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा तो उससे जब एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा रेस की फॉर्म में होगी और रेस कौन सी होंगी अल्फा बीटा गामा ठीक है इतना बेसिक समझ लो काफ़ी है अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाएगी तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एनर्जी की बात कर रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से और अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में रिलीज हो रही है बाकी इसके बारे में डिस्कवरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट मूव करेंगे बैक्टीरियोलॉजी अच्छा ये बायो का क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजी की हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी की डिस्कवरी किसने की थी वो की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने ओके बैक्टीरियोलॉजी की स्टडी की थी रॉबर्ट कोच ने अच्छा आप थोड़ा सा जानो यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी क्या क्या होती है द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी ओके यानी हम यहाँ पे बैक्टीरिया की जो स्टडी करेंगे वो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर करेंगे ठीक है तो इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने की थी बैक्टी यहाँ पे एक टर्म और है ल्यूवन हॉक ल्यूवन हॉक एक और साइंटिस्ट है ल्यूवन हॉक इनका पूरा नाम तो एंटनी वॉन ल्यूवन हॉक है बट तुम इतना समझ लो इतना याद कर लो ल्यूवन हॉक इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी ओके किने लिवन हॉक को अच्छा माइक्रो बायोलॉजी क्या होता है जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं माइक्रो मीन्स स्मॉल बायोलॉजी मीन्स पता ही आपको तो जहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो गया बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं प्रोटोजोआ हो गया आपका आ, 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 आपका वो हो गया एलगी हो गया ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए ना रॉबर्ट बैक्टीरियोलॉजी अगर आए आ, कि बैक्टीरियोलॉजी की डिस्कवरी किसने की थी रॉबर्ट कोच अगर आपको नहीं मिले लिविन हॉक मिले तो आप वो भी मार्क कर सकते हो क्योंकि वो फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेरी बेरी ओके बेरी बेरी की बात करते हैं बेरी बेरी की डिस्कवरी की थी एक मैन ने ठीक है एक मैन ने की थी बेरी बेरी की डिस्कवरी बेरी बेरी क्या होता है जान लेते हैं विटामिन बी वन जो होता है ठीक है विटामिन बी वन जो होता है विटामिन में मैंने आपको पढ़ाया था विटामिन बी वन की कमी से यानी अगर विटामिन बी वन की डिफिशेंसी है आपकी बॉडी में तो इससे आपकी डिसीज़ हो जाती है बेरी बेरी ओके बेरी बेरी डिसीज़ हो जाती है इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन बी वन का दिस इज़ थाया ओके थाया है आपका विटामिन बी वन का केमिकल नेम ओके नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन ठीक है नाम से ही पता चल रहा है ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसको हम ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे ठीक है इसकी डिस्कवरी किसने की थी हार्वे ने की थी नाम याद कर लेना हार्वे अच्छा अब नेक्स्ट है हमारा ब्लड ग्रुप अब कंफ्यूज मत होना कि पता चला ब्लड ग्रुप है तो वहाँ पे हार्वे लगा दिया सिर्फ ब्लड देख के और ब्लड सर्कुलेशन देखा तो ब्लड पड़ के यहाँ पे या फिर कार लैंड स्ट्रीनर लगा दिया नहीं दो अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी हार्वे ने की थी और ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार लैंड स्ट्रीनर ने की थी अच्छा एक चीज़ और ये वाला सेशन कंप्लीट करने के बाद जब ये आपकी डिस्कवरीज़ और ये साइंटिफिक वाला जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं जो आपका स्टार्ट करूँगी ना वो ब्लड स्टार्ट करूँगी तो ब्लड का टॉपिक है ना हम वो डिस्कस करेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है काफ़ी सारे एग्जाम्स में ब्लड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूछे जा रहे हैं अभी एट प्रेजेंट में तो हम ब्लड डिस्कस करेंगे ब्लड ब्लड ग्रुप को सबको पता ही है ए होता है बी होता है ए बी होता है ठीक है आपका और ओ होता है ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है ये सब हम डीप में डिस्कस करेंगे परसेंटेज क्या होती है इनकी ये सब चीज़ें ठीक है तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की हार्वे ने और ब्लड ग्रुप की कर दी आपके कार लैंडस्टीनर ने नेक्स्ट देखेंगे हम कैमरा बहुत कॉमन है कैमरा की डिस्कवरी किसने की थी जॉर्ज ईस्टमैन ने की थी ठीक है जॉर्ज ईस्टमैन ने की थी कैमरा की डिस्कवरी और सबसे पहला कैमरा इन्होंने कौन सा बनाया था दैट वॉज कोडेक ओके दैट वॉज कोडेक इन्होंने जो कैमरा uh, बनाया था सबसे पहले वो कोडेक बनाया था सन वन याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि कौन से ईयर में बनाया था इसमें इतना ईजी नहीं है कोडेक इन्होंने बनाया था नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लोरोफॉर्म की ठीक है क्लोरोफॉर्म की हम बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी किसने की थी जेम्स हैरिसन एंड जेम्स यंग सिम्सन देखो अब इन्हें को रिलेट करके याद कर सकते हो जेम्स तो दोनों में कॉमन है ओके क्लोरोफॉर्म जेम्स कॉमन है हैरिसन और सिम्सन करके याद कर लोगे और यंग ठीक है तो जेम्स यंग सिम्सन और जेम्स हैरिसन ऐसे करके इनको कोरिलेट करके याद कर लेना क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कोरिलेट करके चीजें याद करो तो ज़्यादा याद रहती हैं ओके okay? अच्छा क्लोरोफॉर्म की बात करें अगर तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का आपका फॉर्मूला होता है सी एच सी एल थ्री ओके ये आपका फॉर्मूला हो गया क्लोरोफॉर्म का ओके okay? बस आगे नेक्स्ट देखेंगे हम कंप्यूटर ये तो सभी को पता होगा कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने की थी इसकी डिस्कवरी चार्ल्स बैबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर ओके और आपको पता है इसकी लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर की ठीक है ये सभी को पता होगा आपकी लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर की जीरो और वन पे बेस्ड होती है वो नेक्स्ट है हमारा डी ठीक है अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो ज़ीरो और वन पे वो करता है ये वर्क करता है कंप्यूटर इस कंप्यूटर इसकी लैंग्वेज का नाम क्या है ठीक है इसकी लैंग्वेज का नाम क्या है ये मुझे कमेंट में बताना नेक्स्ट है आपका डीडीटी अच्छा डीडीटी की बात करें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है इसको ध्यान से देखना काफी बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि नहीं इसकी फॉर्म इसकी फुल फॉर्म बहुत बड़ी है ठीक है? इथेन। ओके डीडीटी की फुल फॉर्म है आपकी डाइक्लोरोनाइल ट्रा, इथेन। क्लोरोक्लोरो आ गया डाई ट्राईक्लोरो आ गया इसे ऐसे कोई रिलेट कर लो डाइफिनाइल इथेन ईजी है ठीक है डाईक्लोरोनाइल ट्राईक्लोरो इथेन ठीक है इसका फॉर्मूला जो है वो मुझे कॉमेंट में बताओ फार्मूला जो है इसका डीडीटी का वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी डिस्कवरी डॉक्टर पॉल डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी ठीक है पॉल मुलर ने की थी इसकी डिस्कवरी क्या होता है ये डीडीटी इट इज़ अ इंसेक्टिसाइड इंसेक्टीसाइड क्या होता है इंसेक्टीसाइड वो ये वो इंसेक्टीसाइड में आप क्या करते हो इंसेक्ट को किल करते हो ठीक है किससे किल करते हो बाय डी डी टी ओके okay, जो इंसेक्ट को किल करते हैं उनको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं एग्रीकल्चर में यूज़ होता है ये डी, -डी नेक्स्ट देखेंगे आपका अच्छा यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए आपके मुझे क्या बताओगे आप कंप्यूटर की लैंग्वेज ठीक है जिसपे जीरो और वन पे वर्क करता है वो उसका नाम क्या है और नेक्स्ट है आपका डी, -डी इसका मुझे आप केमिकल फॉर्मूला बताओगे नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत ईजी है सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉम्सन ने की थी ठीक है प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी रदरफोर्ड ने की थी ये भी सबको पता ही होगा कभी कभार ना ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और जल्दीबाजी में ना हम गलत कर देते हैं तो ये मैं सोचा करो कि क्वेश्चन बहुत बेसिक है ये तो मुझे आता है नहीं रिवाइज सारी चीज़ें किया करो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी किसकी और किसकी बताई मैंने रदर फोर्ड की रदर फोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी प्रोटोन की और न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की किसने की थी चैडविक ने की थी तीनों चीज़ें पता चल गई इलेक्ट्रॉन की जेजे थॉमसन और प्रोटॉन की आपकी हो गई रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की हो गई आपकी uh, चैडविक आप अच्छा नेक्स्ट है आपका जेनेटिक कोट जेनेटिक कोट की बात करते हैं यहाँ जेनेटिक कोट की डिस्कवरी किसने की थी फ्रेडरिक सेंगर ने ओके जेनेटिक कोट की डिस्कवरी किसने की थी फ्रेडरिक सेंगर ने एक साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी वो थे फ्रेडरिक मिशर ये किसी एग्जाम में पूछा गया था मुझे अभी एक्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा है बट ये वाली चीज़ पूछी गई थी कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी तो वो फ्रेडरिक मिशर थे ये याद रखना ठीक है वो जेनेटिक कोड आ गया मुझे इसलिए ध्यान आ गया और इसको सब नोट करना ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि पी डी एफ में पी डी आपको इसकी प्रोवाइड कर दूंगी बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ वो मैंने इसमें मैंशन नहीं की है ओके नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है आपका पेनीसिलीन ओके पेनिसलिन की डिस्कवरी की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ओके पेनीसिलीन की डिस्कवरी की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनीसिलीन आपकी क्या है एंटीबायोटिक है सभी को पता है ठीक है और यहाँ पे जो इन्होंने यूज़ किया था कल्चर के लिए वो था पेनीलियम नोटेटम पेनीसीयम नोटेटम आप मुझे कमेंट में ये बताओगे अब कि ये जो पेनीसीलियम नोटेटम था ये बैक्टीरिया था या फंगस था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे मैंने आपको इतनी चीज बता दी कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अब पेनिसिलियम नोटेटम क्या है बैक्टीरिया या फंगस ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में ओके okay, अच्छा एक और याद करो यहाँ पे ये किसी एग्जाम में पूछा गया था माइको ये तो सबको पता ही चल रहा होगा बैक्टीरिया है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर ठीक है माइको बैक्टीरियम ये भी एक बैक्टीरिया है जिससे आपकी क्या होती है टीबी होती है क्या होती है टीबी होती है माइको बैक्टीरियम ट्यूबोक्लॉसिस ठीक है और एक और देख लो यहाँ पे चलो मैं बताई देती हूँ आपको एक आपका जो है टाइफॉइड होता है सबको मतलब सबको नहीं होता है जिन को होता है वो किस वजह से होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी ये इससे होता है ठीक है ये हो गया आपका नेक्स्ट है आपका रेडियो रेडियो की सभी को पता है जी मार्कोनी ये इसकी डिस्कवरी की थी आपकी जी मार्कोनी ने ओके okay. अब देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पे जितने भी फिफ्ट आ, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगेन आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशनस एंड डिस्कवरीज डिस्कस करूँगी आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नोन है उनके साथ ठीक है वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना जय हिंद जय भारत